हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम आंस अगेन इंग्लिश ग्रामर कोर्स का के क्लास में यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार खैर मकदम करते हैं तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है आर्टिकल्स ठीक है तो आज का हमारा लेक्चर है आर्टिकल्स तो आज हम बात कर देंगे आर्टिकल्स के बारे में ठीक है तो आर्टिकल के बारे में आप लोग सभी लोगों को शायद पता होगा कि आर्टिकल्स किन को कहते हैं कितने कितने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर्टिकल्स होते होते हैं हैं हमारे पास यानी कि तो आज हम उनके बारे में अच्छी तरह से उनके यूज के बारे में जैसे कि हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द्रीन पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ए, ए एन और द होते हैं वो हमारा क्या होते हैं आर्टिकल्स होते हैं <खंग> तो आज हम देखेंगे कि इन आर्टिकल्स का यूजेस देखेंगे ठीक है इन आर्टिकल्स को ठीक तरह से हम यानी कि एग एक का यूज क्या होते हैं इनको हम पे यूज कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो बिफोर गोइंग इन डिटेल्स हम चलिए थोड़ा सा आर्टिकल्स के डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल्स किनको कहते हैं ठीक है इसका सेंटेंस के अंदर क्या यूज होते हैं ठीक तो है तो चलिए आर्टिकल इज है मोनोसेलिबिकिटरमाइनर दैट प्रोसीड ए नॉन ठीक है यानी कि आर्टिकल्स को हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं कोई इश्यू नहीं है डिटरमाइनर और आर्टिकल्स में तो डिटरमाइन मीन्स डिटरमाइन करते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है ना वो किसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है इफ ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नो अबाउट हु इज इज व्हाट व्हाट बीइंग टॉक बीइंग टॉक्ट अबाउट तो हम उसको जनरलाइज करने लगते हैं कि शायद स्पीकर ऑफ द सेंटेंस है वो शायद कोई जनरल थिंग्स के बारे में या जनरल चीज के बारे में शायद वो बात कर रहे हैं ठीक है तो उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं होते हैं कि वो किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन जब स्पीकर जब स्पीकर जो होते हैं ना वो कोई किसी पर्टिकुलर चीज कोई खास चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे मीनिंग कुछ अलग होते हैं ठीक है तो चलिए हम देखते हैं कि डिटर्माइन उसी को कहते हैं कि व्हेन अ स्पीकर ऑफ द सेंटेंस व्हेन द स्पीकर ऑफ दिस सेंटेंस और अ हियरर नोस व्हाट इज बीइंग बींग अबाउट ठीक है यानी कि uh, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या किस सब्जेक्ट uh, के बारे में किस मुतल किस चीज के बारे में या किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं अगर स्पीकर जानते हैं तो वो कोई किसी चीज को पर्टिकुलर करके बात कर रहे हैं अगर स्पीकर नहीं जानते तो दैट मीन्स ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग बट इज ही इज टॉकिंग अबाउट इन जनरल ठीक है तो चले हम देखते हैं कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं वैसे हम ब्रॉडली आर्टिकल को सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम करते हैं डिफिनेट आर्टिकल एंड इन आर्टिकल ठीक है तो जैसे कि हम डिफिनेट आर्टिकल होते हैं वह हमारा क्या होते हैं वह हमारा होते हैं द डिफिनेट आर्टिकल द क्योंकि हमारे पास तीन आर्टिकल है ए एन एंड द तो इन तीन आर्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में तो क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में तो सबसे पहला जो ग्रुप आते हैं वो आते हैं उसका डिफिनेट आर्टिकल जो कि हम जिसमें द को पुट करते हैं और दूसरा टाइप ऑफ आर्टिकल्स होते हैं वह हमारा इनडिफिनेट uh, आर्टिकल है जिसको हम ए और एन में यूज कर लेते हैं ठीक है यानी कि ए और एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल के लिए यूज करते हैं तो समटाइम्स वी डोंट नीड टू यूज आर्टिकल तो कभी कभार हमें सेंटेंस में आर्टिकल को ओमिट भी करना पड़ता है ठीक है तो उसको हम कहते हैं जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल तो हम चलिए उसको भी हम ग्रुप में ले लेते हैं तो इसीलिए इससे हमारे पास क्या बनते हैं इससे हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ या थर्ड ग्रुप ऑफ आर्टिकल बनते हैं दैट इज जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी सेंटेंस में कभी कभार आपको इन आर्टिकल्स की जरूरत होते हैं ए एन और द का आपको आर्टिकल्स की जरूरत होते हैं तो उस वक्त अगर कहीं पे भी ए और एन आर्टिकल का यूज हुआ है तो वो डिफिनेट सॉरी इन आर्टिकल है और कहीं सेंटेंस में किसी नाउन के साथ अगर डिफिनेट डिफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है तो वो डिफिनेट आर्टिकल है और अगर कहीं पे किसी नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है तो दैट ओमिशन ऑफ आर्टिकल और जीरो आर्टिकल भी हम उसको कह सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए देखते हैं कि जो आर्टिकल्स और आर्टिकल उसको हम थोड़ा सा इनका डिफरेंस हम पता कर लेते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल क्या होते हैं आर्टिकल क्या होते हैं तो एग्जाम्पल आपको पता समझ में आ जाएंगे यूज ऑफ दर्टिकल वेद दियर द रेडियर नो वट इज बी अबाउट और नॉट यानी कि आर्टिकल के यूज करने से हम स्पीकर और हियर दोनों को पता चल जाते हैं कि यानी कि जो स्पीकर है वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं यानी कि क्या वो स्पीकर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं या इन जनरल वो कोई भी किसी भी कस्म की चीज को इन जनरल वो ले रहे हैं तो वो हमें आर्टिकल के जरिए हमें मालूम होता है जब कभी कोई स्पीकर किसी खास किसी कोई चीज को प्रिज्यूम करके वो बता रहे हैं कि बताने की कोशिश हैं कि वो किसी चीज को पर्टिकुलर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त वो हम जो है ना वो उस नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं और अगर ऐसा नहीं होते हैं कि वो जो स्पीकर जो होता है ना वो अगर इन जनरल किसी चीज के बारे में बात करें किसी भी चीज के बारे में समथिंग दैट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड तो उस वक्त आयन का यूज होते हैं तो उसको उस वक्त हम यानी कि जो स्पीकर होते हैं वो यानी कि प्रपरली वो यानी कि पता नहीं हो पा हम हयरर को ये पता नहीं हो पाते हैं कि वो किस चीज के बारे में या किसके मुताबिक बात कर रहे हैं ठीक है तो उस वक्त हम ए और एन का भी हम यूज कर सकते हैं या जीरो आर्टिकल का भी हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम अलग अलग यूज के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इन आर्टिकल्स को हम कब और कहाँ पे यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम इन uh, आर्टिकल को उठाते हैं और इन आर्टिकल में ए ए ए ए और एन दोनों आते हैं हैं ठीक है तो सबसे पहले यूज यूज ऑफ हम कब कर सकते हैं को बिफोर कॉमन नाउन यूज इन सिंगुलर नंबर ठीक है कोई भी नाउन हो लेकिन वो अगर सिंगुलर नंबर में हो तो उस वक्त हम uh, ये इनडिफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं जैसे कि ही इज बॉय शी इज अ गर्ल ठीक है अ बॉय और गर्ल जो बॉय है या गर्ल है वो क्या है आपका सिंगुलर नाउन है तो इन सिंगुलर नाउन से पहले हमने जिन वर्ड्स का यूज किया है सॉरी जिन आर्टिकल को यूज किया है उन आर्टिकल आर्टिकल को हम क्या कहते है? ये, इन कहते हैं हैं ये क्योंकि जो गर्ल और बॉय है वो क्या है सिंगुलर नाउन है ठीक है तो सबसे पहले हमने यूज किस में किया यूज ऑफ ए में हमने देखा कि कोई भी अगर सिंगुलर नंबर में कॉमन नाउन आते हैं तो उनसे पहले हम इन आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट यूज क्या है बिफोर कंसोनेंट साउंड यूज इन सिंगुलर नंबर अगर हमारे पास कोई भी कंसोनेंट से साउंड आते हैं कोई भी कंसोनेंट से नाउन आते हैं उसका नाम आते हैं तो उस वक्त हम उस कंसोनेंट नाउन से पहले भी हमें किसका यूज कर सकते हैं हम इन आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं जैसे कि अ टेबल जो टेबल का जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड आते हैं is, टा sound, तो उससे पहले हमें इनडिफिनट आर्टिकल ए का यूज करना है इसके बाद जैसे कि अच्छर जो च साउंड है वो भी अगेन कंसोनेंट साउंड है और उससे पहले हमें इनडिफिनेट आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट यूज है बिफोर वर्ड बिगिनिंग एच वेन एच इज नॉट साइलेंट याद रखो कभी कभार हमारे पास कोई ऐसा नाउन या कोई ऐसा वर्ड भी यूज होते हैं जो एच से शुरू होते हैं लेकिन वहां पे एच साइलेंट नहीं होते हैं कुछ एच कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो एच से शुरू होते हैं लेकिन वहां पे एच साइलेंट होते, होते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आपका वर्ड कोई एच से शुरू होगा लेकिन एच वहां पे साइलेंट नहीं होगा तब भी आप इन आर्टिकल ए का यूज उससे पहले कर सकते हैं जैसे कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो वर्ड है एच से शुरू हुआ और हा साउंड यहाँ पे साइलेंट भी नहीं हुआ हंड्रेड रुपी नोट हंड्रेड रुपी हंड्रेड हा साउंड अगेन यहाँ पे है से शुरू हुआ लेकिन यहाँ पे साइलेंट भी नहीं है तो इससे पहले भी हमें इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करना है ठीक तो है तो उसके बाद नेक्स्ट यूज है बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ ओ गिविंग कंसोनेंट साउंड वॉ ठीक है यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड शुरू हुआ होता है ओ साउंड से लेकिन ओ से लेकिन साउंड वॉ साउंड वॉ डब्ल्यू ए वॉ का साउंड आते हैं तो उस वक्त भी आपको आर्टिकल ए का यूज करना है फॉर एग्जाम्पल ए वन हंड्रेड रुपी नोट ए वन हंड्रेड ओ एन ई वन देखिए ओ जो वर्ड है सॉरी ओ जो आ, आ, ये क्या उसको अल्फाबेट है वो अगर हम देखा जाए तो वो क्या है वो वावुल है वावल के साथ हमें हमेशा एन का यूज कर रहे थे लेकिन यहाँ पे वावल तो है लेकिन साउंड जो है ना वो कंसोनेंट साउंड आ रहे हैं डब्ल्यू ए वॉक का साउंड आ रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे अल्फाबेट को अगर साउंड व का साउंड आ रहे हैं यानी कि कंसोनेंट साउंड आ रहे हैं तो ऐसे में हमें इनके साथ इन डिफरेंट आर्टिकल आ, का यूज करना है आ, वन हंड्रेड रुपी नोट देखिए ओ एन ई वन ओ एन ई वन साउंड ओ से शुरू यानी कि ओ अल्फाबेट से शुरू होता है लेकिन साउंड वा देते वन हंड्रेड ठीक है तो इसीलिए हमें ऐसे साउंड के साथ भी आ का यूज करना है नेक्स्ट अगेन वन वन का करना। reward, अच्छा, reward, EU, कोई ऐसा वर्ड होगा जो यू और ई यू से स्टार्ट हुआ होगा लेकिन अगेन कंसेंट साउंड वाई ओ यू यू का साउंड देते हैं तो उस वक्त भी आपको उनके साथ क्या यूज करना है इन आर्टिकल ए का यूज करना है जैसे कि अवर्सिटी यूनिवर्सिटी देख लीजिए टी शर्ट अ यूनिक शू अ देख लीजिए साउंड सभी का जो है वो वाई ओ यू यू से आ रहे हैं तो इसीलिए हमें इनके साथ इन आर्टिकल ए का यूज करना है अदरवाइज अगर हम देखा जाए तो यू 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 ई अगर हम देखा जाए तो ये वावल है लेकिन साउंड जो है वो कंसोनेंट साउंड यू का आ रहा है इसीलिए हमें इनके साथ क्या यूज करना है आर्टिकल आर्टिकल डिफिन का यूज करना है ठीक है नेक्स्ट है यूज ऑफ एन नेक्स्ट हमारा इन आर्टिकल है वो है एन ए एन एन तो हम कब यूज कर सकते हैं एन को बिफोर वावल साउंड यूज इन सिंगुलर नंबर कोई भी वावल साउंड है कोई भी वाउल अगर साउंड होगा कोई भी वर्ड अगर वावल से स्टार्ट होगा वो साउंड भी वाउल होना चाहिए नहीं कि यहाँ पे इसकी तरह वावल से स्टार्ट तो हुआ लेकिन वाउल साउंड यहाँ पे नहीं आ रहे हैं बल्कि यहां पे एन को यूज करने के लिए क्या करना है कि आपको जरूरी है कि वो वर्ड वावल से भी स्टार्ट होना चाहिए और साथ साथ उसका साउंड भी वावल साउंड होना चाहिए तब जाके और अगर वो सिंगुलर नंबर में होगा तब जाके आपको उसके साथ एन का यूज करना है फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल जो एप्पल यूज हुआ है आ, एप्पल अ आ, आ जो यहाँ पे है वो आ, वो यहाँ पे आपका आ, वावल साउंड है आ का साउंड तो इसके साथ आपको एन का यूज करना है ठीक तो है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंजन एंजन इंजन का जो साउंड है वो वावल साउंड से आ रहा तो है तो इसके साथ जो वावुल आई आई का साउंड आई आ रहा है ठीक है तो इसके साथ भी आपको एन का यूज करना है नेक्स्ट यूज है बिफोर बिगिनिंग विथ साइलेंट एच ठीक है यहाँ पे ये याद रखो कि कभी भी आपका कोई से शुरू होता है लेकिन वो एच वहां पे साइलेंट रहकर वो साउंड अगेन अगर वावल साउंड से आते हैं निकलते हैं तब जाके आपको वहां पे इनडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज उससे पहले करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एच ओ यू आर स्टार्ट तो हुआ है एच से लेकिन साउंड एच साइलेंट है और साउंड जो है ना वो वावल साउंड आते हैं दैट इज आर तो उससे पहले आपको इनडिफिनेट आर्टिकल एन का यूज करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्ट नेस्ट एच ओ एन ई एस टी साउंड शुरू तो हुआ है वर्ड शुरू तो हुआ है एच से लेकिन साउंड अगेन यहाँ पे एच साइलेंट है और वावल साउंड आते हैं तो आपको इंडिफिनेट आर्टिकल एन का यूज करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देख लीजिए वो भी अगेन हाँ पे repeat forms, यहाँ पे रिपीट हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट यूज है बिफोर शॉर्ट फॉर्म्स ठीक है यहाँ पे चीज याद रखो कि जो शॉर्ट फॉर्म्स है जैसे की एम एल एम बी बी एस एस एच है तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ये याद रखो क्योंकि ये इन ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स के साथ आपको एन का क्यों यूज करना है एन का क्यों यूज करना है जैसे कि यहाँ पे देखो एम एल ए एम बी बी एस एस एच ओ ठीक है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म के साथ ही क्यों एन का यूज करना है अगर हम इनको फुल फॉर्म में लिखते हैं एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो जब आप ये फुल फॉर्म में लिखते हैं तो कभी भी इसके साथ एन का यूज नहीं करना है तो उस वक्त आपको क्या यूज करना है या तो डिफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है या तो जीरो आर्टिकल का यूज भी कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरह से एम बी बी एस एस एच ओ तो ये जो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तब इस वक्त इनके साथ आपको एन का यूज क्यों करना है वो इसलिए क्योंकि जब कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म में इनको प्रोनाउंस करते हैं एम एल एम बी बी एस एस एच ओ तो इनसे पहले एम पुकारने से पहले एम एल एम बी बी एस एस एच ओ पुकारने से पहले थोड़ी सी हलक से आपका जो साउंड है वो वीक वावल साउंड आते हैं दैट वी कॉल्ड एस शिवा साउंड शिवा कहते हैं उसको ठीक है वीक वावल साउंड हम शिवा कहते हैं तो जब कभी ये शॉर्ट uh, फॉर्म्स को प्रोनाउंस करते समय आप थोड़ी सी हल्की सी आपकी हलक से हल्की सी छोटी सी एक यानी कि धीमे से जो वावल साउंड आते हैं शॉर्ट वावल साउंड आते हैं तो हम तो इसीलिए हमको उसको मद्देनजर रखते हुए इनके साथ यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म से पहले हमें क्या यूज कर सकते हैं एन का यूज करना है ठीक है तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफिनेट आर्टिकल द जो डिफिनेट आर्टिकल है हम उसको हम कब यूज कहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारे पास डिफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही है वो है द कब यूज कर सकते हैं चलिए यूज करके देख लीजिए बिफोर वर्ड्स डिनोटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और और थिंग इज वेल नोन यानी कि कभी भी जब कभी भी आप कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हो या कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में या कोई एक फेमस पर्सनैलिटी फेमस चीज या फेमस किसी चीज के बारे में अगर बात करते हो तो उस वक्त उस नाउन के साथ उस पर्टिकुलर नाउन के साथ आपको क्या यूज करना है डिफिनेट आर्टिकल का यूज करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेन दिन यू गेव मी यस्टरडे मेरे पास एक पेन था ठीक है मैंने उस पेन को दिखाते हुए कहा कि ये वही पेन है जो आपने मुझे कल दिया था तो दैट मीन मैंने मेरे पास डब्बे में चार पांच पेन है उन चार पांच पेन में से एक पेन निकाल के आपको दिखाया कि ये वही पेन है जो आपने मुझे कल दिया था तो दैट मीन्स दिस पेन इज द पर्टिकुलर पेन दैट यू गेव दैट यू गेव मी यस्टरडे तो ये वही पर्टिकुलर पेन है जो आपने मुझे कल दिया था तो दैट मीन्स मेरे सारे डिब्बे में से जितने भी सारे पेन है उन सारे पेन में से ये पेन पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि बिकॉज ये जो पेन है ये आपने मुझे दिया था ठीक है तो उस वक्त उस पेन के साथ दर्टिकुलर पर्टिकुलर ए, पर्टिकुलर हुआ इसीलिए हम उसके साथ डिफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है आई मे द चीफ मिनिस्टर ऑफ जे एंड के यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए The Chief Minister. क्योंकि क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्योंकि या हमारे स्टेट का या हमारे यूनियन टेरिटोरी का किसी भी स्टेट का हो तो वो पर्सन जो होता है ना वो फेमस एंड वेल नून पर्सन होते तो कभी भी हमारे पास कोई सेंटेंस में अगर कोई पर्सनल ये कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम आते हैं पर्टिकुलर थिंग का नाम आते हैं या कोई वेल नोन फेमस पर्सनलिटी का नाम आता है तो उस वक्त आप द का यूज कर सकते हैं उस उस नाउन से पहले ठीक है इसके बाद आपको दूसरी चीज द डिफरेंट आर्टिकल द का हम कब यूज कर सकते हैं विद एन इंपॉर्टेंट इवेंट कोई आपका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट होगा तो उन इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ भी आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं चलिए देख लीजिए द दे इंडो पाक वार जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ का ठीक है एग्जाम्पल लीजिए तो उसी का उसी इम्पोर्टेंट इवेंट के साथ भी आपको क्या यूज करना है डिफिनेट आर्टिकल द का कर यूज करना है जो इंडो पाक वार है वो एक अगेन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्टोरिकल बेस पर अगर हम देख लीजिए देखा जाए तो इसके साथ भी हमें डिफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकें जो सेकंड वर्ल्ड वार है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार वो भी आपके हिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट इवेंट में गिना जाते हैं तो उसके साथ भी आपको डिफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिन एंड यूनिक नेचुरल थिंग्स के साथ यानी कि नेक्स्ट डिफिनेट आर्टिकल आप कब यूज कर सकते जब uh, कभी आप नेचुरल फिनोमिन के बारे में बात करते हो या कोई यूनिक नेचुरल थिंग्स के बारे में ठीक है कोई भी नेचुरल चीजों के बारे में या कोई भी नेचर चीजों के बारे में अगर आप बात करते हो तो उस वक्त भी आप द का यूज कर सकते हैं और नेचुरल फिनोमिना जैसे कि कुदरती यानी कि जो होते रहते हैं उनके साथ भी आप डिफरेंट आर्टिकल द का यूज करना है चलिए द अर्थ द वेस्ट द सन द मून द स्काई द्लान दर्थ को एक्ट ठीक है तो ये सारे चीजें जो नेचुरल फिनोमिना नेचुरल थिंग्स है इन सारे नेचुरल थिंग्स के साथ भी आपको डिफरेंट आर्टिकल द का यूज करना है ठीक है नेक्स्ट यूज देख लीजिए नेक्स्ट उन्हें देख लीजिए कोई भी प्लेस हो कोई भी कंट्रीज हो मेड ऑफ कंपाउंड वो अगर कोई भी जगह का नाम या कोई कंट्री का नाम हो अगर वो कंपाउंड वर्ड से बने हैं तो उस वक्त आप उनके उनसे पहले भी डिफिने का यूज कर सकते हैं करना है आपको देख दैट मीनस यूएसए यूएसए जो है वो किसी कंट्री का नाम है लेकिन उस कंट्री का नाम जो है वो अगेन कंपाउंड वर्ड्स में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो जो कंपाउंड वर्ड्स में जो भी कॉन्ट्री या प्लेस का नाम है उसके साथ आपको डिफिनट आर्टिकल द का यूज करना है द यूएसए द यूपी द यूनाइटेड सॉरी द यूनाइटेड नेशन यूएन होते हैं द यूनाइटेड नेशन इसी इसी के साथ द पंजाब ये जो पंजाब वर्ड है ये हमारे कल्चर के हिसाब से यहाँ पे जो पंजाब है वो इस स्टेट का नाम ये कंपाउंड वर्ड है क्योंकि पंज का मतलब होते हैं पांच आप का मतलब होते हैं यहाँ पे रिवर का मतलब होता है तो यहाँ पे पंजाब जो है वहां पे फाइव रिवर्स वहां से फ्लो होते हैं तो इसीलिए इस जगह का नाम ही पंजाब पड़ गया ठीक है तो कभी भी आपके पास कोई भी आ, आ, क्या है कंट्री का नेम या प्लेस का नेम जो कंपाउंड वर्ड से बने हैं तो उस वक्त आप यहाँ पे उससे पहले डिफरेंट आर्टिकल दर का यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट बिफोर ए नेशन और कम्युनिटी जब आप कोई किसी नेशन और कम्युनिटी की बात करते हो ठीक है यानी कि कंट्री की बात नहीं करते बल्कि कम्युनिटी की बात करते हैं ठीक है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हो तो उस आपको क्या यूज करना है डिफिनेट आर्टिकल द का भी यूज करना है जैसे कि मुस्लिम्स द मुस्लिम्स मुसलमान लोग द मुस्लिम्स ठीक है द एंड हिंदुस्तानी इंडिया नहीं कहा हमने हिंदुस्तानी कहा क्योंकि हम हिंदुस्तानी है तो उसके साथ भी आपको द का यूज करना है द सिक्स सिख लोग द हिंदूस हिंदू लोग तो यहाँ पे ये यह सारे किन का नाम है कम्युनिटी का नाम है मुस्लिम्स है कम्युनिटी का नाम एंड नेशन का नाम है यानी कि किस देश के रहने वाले हम एंड है हम पाकिस्तानी हैं ठीक है ठीके? हम अमेरिकन है तो दे 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 पाकिस्तानी, दे ये नेशन का नाम होता है सिख द हिंदू द क्रिश्चियन ठीक है तो ऐसे में भी आपको द का यूज करना है बिफोर सुपर लेट यूज फॉलोड बाय नाउन यानी कि दूसरा आपको जो आर्टिकल द है वो आपका भी यूज कर सकते हैं जब कभी भी आप कोई सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हो तो उस वक्त भी आपको क्या यूज करना है यानी कि डिफिनेट आर्टिकल का यूज करना है जैसे कि बेस्ट प्लेयर जो बेस्ट है वो ये आपका सुपरलेटिव है

तो ऐसे में फैमिली नेम्स के साथ भी आपको क्या यूज करना है डिफरेंट आर्टिकल द का यूज करना है जैसे कि द खान्स द कपूर द बर्ड्स ठीक है तो ये है आपका फैमिली नेम और इन फैमिली नेम्स के साथ भी आपको डिफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है नेक्स्ट है बिफोर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना तो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं तो उन ऑर्गन्स के नाम के साथ भी आपको डिफिनेंट आर्टिकल द का यूज करना है जैसे कि द हार्ट द किडनी हा द किडनी द लंग्स है तो ये सारे क्या है आपका ऑर्गन्स होते हैं तो इन ऑर्गन के नाम के साथ भी आपको क्या यूज करना है डिफिनेट आर्टिकल द को यूज करना है ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो आपके पास आर्टिकल के जो मेन टू ग्रुप्स में हमने क्लासिफाई किया था डिफिनेट एंड इन आर्टिकल तो उनका हर एक ए, एन और द का हमने यूज करके बताया कि कब आपको इन आर्टिकल्स का यूज करना है और कहां पे इन का आर्टिकल्स का यूज अलग अलग तरीकों से करना है अब लास्ट बच गया हमारे पास जीरो आर्टिकल कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कभी कभार हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि कहीं नाउन के साथ हमें कोई भी आर्टिकल का यूज करना नहीं होते हैं तो हम उस वक्त हम कब यूज नहीं कर सकते हैं। किन नाउन के साथ और कौन से टाइप ऑफ नाउन्स के साथ हमें ऐसे में आर्टिकल का यूज नहीं करना है वो चलिए हम देख लेते हैं तो उसके लिए है सबसे पहला यूज व्हेन वी टॉक अबाउट टॉक व्हेन वी टॉक ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स इन जनरल सेंस जब आप कोई भी किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस के बारे में बात करते हो और वो सब्सटेंस अगर आप जनरली बात करते हो जनरली उस सब्सटेंस के बारे में बात करते हो तो उस वक्त आप उस uh, मटीरियल्स uh, के साथ उस सबस्टेंस के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज करना नहीं आना है फॉर एग्जांपल नहीं करना है फॉर एग्जांपल गोल्ड इज कॉस्टलियर येलो मेटल देख लीजिए पे यहां पे दो चीज का यूज हुआ है येलो मेटल और गोल्ड का येलो मेटल और गोल्ड का तो यहाँ पे येलो मेटल के साथ द का यूज हुआ है क्यों यूज हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर करके कहा कि जो येल्लो मेटल है येल्लो मेटल जो है वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मटेरियल का नाम है ठीक है येलो मेटल पर्टिकुलर किसी मेटल का नाम है इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया लेकिन गोल्ड गोल्ड के साथ हमने कहीं भी भी यहाँ पे हमने कोई भी आर्टिकल का यूज ना ए का यूज किया ना एन का ना द का यूज किया क्यों क्यों यूज नहीं किया क्योंकि इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गोल्ड इन जनरल सेंस सोने की भी बारे में तो बात कर रहे हैं लेकिन कौन से सोने की किस चीज के बारे में बात करें वो हम यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है सोने सोने के बारे में बात करें लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं ठीक है इसी तरह से कॉपर इज कॉस्टलियर देन आयरन देखो कॉपर और आयरन यहाँ पे दोनों का यूज हुआ है कॉपर एंड आयरन तो हमने कहा कि जो कॉपर है वो आयरन से कोस्टलियर है महंगा है तो कॉपर और आयरन जो वर्ड यूज हुआ है वो हम जनरली बात करें यानी कि कॉपर को, इन जनरल कॉपर मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं कॉपर और आयरन मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे हमने पर्टिकुलर करके पहले की तरह येलो मेटल या ग्रीन मेटल या फलान मेटल करके हमने पर्टिकुलर करके नहीं बताया बल्कि आयरन बताया कॉपर बताया जनरल है ठीक है इसी तरह से मिक इस मिल्क इज गुड मिल्क इज गुड फॉर है दूध अगेन सबस्टेंस है लेकिन यहाँ पे हमने दूध से क्या बनते हैं दूध का क्या दूध क्या होते हैं वो हमने नहीं बताया सीधा हमने दूध तो बताया ठीक है ठीके? तो नेक्स्ट आपका तो हाँ पहले एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया कि कोई भी जनरल सबस्टेंस के बारे में बात करते हो कोई भी जनरल मटेरियल uh, के बारे में बात करते हो कोई पर्टिकुलर नहीं किया हो तो उस वक्त आप उन जनरल और मटेरियल के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज करना नहीं है तो नेक्स्ट आपका यूज है हमें कब यू आर्टिकल uh, का यूज नहीं करना है जब आप नेम ऑफ मील्स लेते हो यानी कि मील्स के बारे में बात करते हो तो उस वक्त आपको उनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज करना नहीं है जैसे कि आई विल हैव ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट यू मील का नाम है तो इसके साथ हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना आई विल हैव विलेक मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ या मैं, तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करता हूं या करूंगा तो दैट पे जो ब्रेकफास्ट यूज हुआ है वो अगेन नेम ऑफ मील है इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ जिस ही कॉल यू फॉर लंच क्या उसने तुम्हें लंच के लिए बुलाया लंच पे बुलाया तो यहाँ पे जो लंच है वो अगेन मील का नाम है तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होना है ठीक है तो नेक्स्ट आपका <coughs> uh, कह दो उसको यूज क्या है नेक्स्ट आपका यूज है फेस्टिवल आल्सो डू नॉट टेक आर्टिकल्स नेम ऑफ फेस्टिवल ठीक है फेस्टिवल के साथ आपको कोई भी भी, कोई भी 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 आर्टिकल का यूज नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन विंटर और दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया जो जो क्रिसमस है एंड दीपावली दीज आर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स तो नेम ऑफ फेस्टिवल के साथ भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना एंड लास्ट वन इज अवॉइडिंग आर्टिकल्स यूजिंग आर्टिकल्स वेन यू मीन लैंग्वेज जब आप किसी लैंग्वेज के बारे में बात करते हो तो उस वक्त भी आप आर्टिकल को यूज नहीं करना है चलिए एग्जाम्पल लीजिए फ्रेंच आई नो फ्रेंच लैंग्वेज मुझे फ्रेंच आता है तो फ्रेंच आता है मतलब फ्रेंच कॉन्ट्री के बारे में बात करनी बात नहीं करें नेशन के बारे में बात नहीं करें बल्कि उसके लंग्वेज के बारे में, बारे में बात करें कि मुझे फ्रेंच आता है इसी तरह से आई नो इंग्लिश मैं इंग्लिश जानता हूँ आई नो स्पेनिश मैं स्पेनिश जानता हूँ आई कैन स्पीक इन स्पेनिश मैं स्पेनिश में बात कर सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश आई कैन स्पीक उर्दू तो उस वक्त आप कभी भी जब कभी भी आप लैंग्वेज के बारे में बात करते हो तो उस वक्त आपको आर्टिकल एर, का यूज नहीं करना है ठीक है तो यहाँ तक हो गया आज तक हम आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमें बेस्ड था आज का आर्टिकल्स पे तो आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए और जिनको भी कभी भी कोई डाउट रहते हैं तो आप ग्रुप में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन वहाँ पे शेयर कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भी आप रिकॉर्ड करके दे सकते हैं ताकि मैं आपको डायरेक्टली कंटेक्ट कर सकूँ बाकी आ, अच्छे तरह से पढ़ लीजिए और इनका अच्छे से नोट्स अगर बनाना है तो नोट्स भी बना सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच